सो गाइस, आपने ये वाली फोटो रेडिंग इंस्टाग्राम पर तो कहीं ना कहीं देखी होगी और आप भी सोच रहे हैं कुछ इस टाइप का फोटो रेडिंग आखिर कैसे किया जाता है। तो आज की हमारी इस वाली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कुछ इस टाइप का क्रिएटिव फोटो रेडिंग आखिर हम कैसे कर सकते हैं, वो भी सारे स्टेप्स में। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है तो आप सीख जाएंगे कुछ इस टाइप का क्रिएटिव फोटो एडिटिंग करना। अब जैसे कि इस टाइप का फोटो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें पोज क्लिक करना होगा, ठीक है। वो पोज हम कैसे क्लिक करते हैं, चलिए वीडियो में जानते हैं। सो गाइस, जैसे कि हम वो पोज हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको कोई एक ऐसी हाइट वाली जगह देख लेना, अगर आप अकेले हो कहीं पे, आपको फोटो खींचने वाला कोई आपके साथ नहीं है, तो आपको कुछ इस प्रकार से कुछ थंबा वगैरह होगा, तो वहाँ पर आप कुछ हाइट वाली जगह देख लेनी है। एंड देन आपको अपना फ्रंट कैमरा ओपन कर लेना है, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, अपने पोज को क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो अपने दोनों हैंड को क्या कुछ इस प्रकार से रखना है, ठीक है, इस प्रकार से। और देन आपको फेस को कुछ अलग स्टाइल से आपको एक्सप्रेशन देना है और फोटो को क्लिक कर लेना है। ओके, जैसे हमारा पोज आपने क्लिक कर लिया, आप देख सकते हो। अब हम इसको एडिट करते हैं, ठीक है। सो गाइस, जैसे कि यहाँ पर हमने एक पोज क्लिक कर लिया, ठीक है, इस आपको फोटो क्लिक कर लेना है आपको भी। और देन आपको इस बैकग्राउंड की जरूरत पड़ेगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब इस बैकग्राउंड को अपने पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है सिंपली, ठीक है। सो ही गाइस, जिसकी फोटो हमारे पिक्सआर्ट में ओपन हो चुका है बैकग्राउंड, ठीक है। अब देन आपको टूल्स पाकर इसका रीसाइज आपको चेक कर लेना है। अब इसका जो भी रील साइज है वो यहाँ पर सबसे पहले एड कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे मैं इसका रील साइज एड कर लेता हूँ सिंपली, ताकि हमारे फोटो का क्वालिटी यहाँ पर डिक्रीज नहीं हो। एंड रील साइज एड कर लेने के बाद फिर आपको आ जाना है यहाँ पर एड फोटो पर, और आपको एक लाइट पीएनजी एड करनी है सबसे पहले, तो ठीक है। सो गाइस, जिसके हमारी लाइट पीएनजी एड हो चुकी है, अब देन आपको देना है सबसे पहले तो यहाँ पर एजेस पर, ठीक है। एंड देन इसका सिचुएशन आपको जो है माइनस कर लेना है, ठीक है ना। एंड इसके बाद यहाँ से आपको सिंपली ब्राइटनेस पाकर इसका ब्राइटनेस इंक्रीज करना है, ठीक है। थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे, ओके। फिर आपको सिंपली यहाँ से डन कर देना है। एंड आपको देना है ब्लेंड मोड को स्क्रीन कर देना है सिंपली, ठीक है। एंड यहाँ पर अपने पीछे कुछ इस टाइप से ऐड कर लेना है, ओके। फिर आपको ऐड फोटो पर आ जाना है, और जिस फोटो को हमने क्लिक किया था यानी कि पोज में क्लिक किया था, उस फोटो को आपको ऐड करना है यहाँ पर। जैसे हम कर लेते हैं तो हमारे ये वाला पोज वाला, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसका रिमूव बैकग्राउंड करना है, तो आप अपना मोबाइल डाउन कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आपका वन क्लिक में बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा से हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब आपको जो एक्स्ट्रा पार्ट है इनको आपको सबसे पहले रिमूव कर लेना है, ठीक है। तो हार्डनेस को फुल कर लेना है और आपको इस प्रकार से रिमूव कर लेना है। तो यहाँ से मैं रिमूव कर लेता हूँ। सो गाइस, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कितना अच्छे से हमने बैकग्राउंड रिमूव कर लिया। अब देन आपको कुछ इस प्रकार से इसको बड़ा कर लेना है, और यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। और ऐड हो जाने के बाद आपको सिंपली इस फोटो को यहाँ से डन कर देना है, ठीक है। इनका डन हो जाने के बाद फिर आपको क्या करना है, इस फोटो को सेव कर लेना है अपने ड्रॉ टूल में जाकर गैलरी में, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, हम कलर ग्रेड के फोटो में बैकग्राउंड को अच्छे से मैच करेंगे, ठीक है। तो जिसका आपको इसको सेव कर लेना है गैलरी में, तो इस हमारा फोटो ऐड हो चुका है गैलरी में, ठीक है। अब क्या करना है, आपको इस फोटो को सिंपली शेयर कर लेना है अपने अडोब लाइटरूम में, ठीक है ना। वहाँ पर इसमें कलर ग्रेड करके फोटो एंड बैकग्राउंड को बिल्कुल अच्छे से मैच करा देंगे, ताकि फोटो हमारा फेक ना लगे। तो ये रहा हमारा जिसके लाइटरूम मैप। सो ही गाइस, जिसकी फोटो हमारा ऐड हो चुका है यहाँ पर, ठीक है ना, लाइटरूम मैप में। अब सबसे पहले आपको देना है यहाँ पर लाइट पर, एंड देन कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करना आपको 9%, ठीक है। एंड देन हाईलाइट को इंक्रीज कर लेना आपको थोड़ा सा 14%। देन शेडोज को इंक्रीज करना आपको 29%, ठीक है। एंड देन वाइट्स को भी इंक्रीज, इनके वाइट्स इंक्रीज हो जाने के बाद जो ब्लैक्स है ना, तो ब्लैक्स को भी आपको इंक्रीज करना है यहाँ पर 17%। एंड देन आपको देना है कलर पर, एंड देन वाइब्रेशन इंक्रीज, ओके। फिर आपको मिक्स टूल पर देना है, एंड देन फेस कलर टोन है ना, इसकी सिचुएशन माइनस कर लेनी है आपको, ठीक है। एंड देन इसका लाइट को इंक्रीज, ऑसम। अब आपको जो गाइस यहाँ पर जो ब्लू कलर है ना, तो इसकी सिचुएशन आप माइनस कर लेना, और जो एक्वा ब्लू है इसकी सिचुएशन भी माइनस। एंड देन जो यहाँ पर बाकी जो भी कलर है इनके सारे एक बार आप सिचुएशन माइनस कर लें, ठीक है, येलो की वगैरह सबकी। एंड देन पिंक टोन की इसकी सिचुएशन इंक्रीज, और रेड कलर टोन इसकी सिचुएशन भी इंक्रीज। फिर आपको सिंपली यहाँ से डन कर देना है। अब आपको देना है यहाँ पर लाइट पर, एंड सिंपली कर्व टूल को सिलेक्ट कर देना है। एंड देन व्हाइट कलर है ना, इसको थोड़ा सा आपको नीचे लेकर आना है। फिर आपको सिंपली जो यहाँ से डन करना है, एंड आपको देना है कलर पर, एंड यहाँ से ग्रेडिंग पर टैप करना है, एंड जिसको थोड़ा सा आपको नीचे कुछ इस टाइप से ऐड करना है नीचे, ठीक है। फिर आपको डन कर देना है। अब आपको देना है यहाँ पर इफेक्ट पर, एंड देन आपको जो विग्नेट थोड़ा माइनस कर लेना है, एंड जो क्लियरिटी को इंक्रीज करना है, एंड देन डज को थोड़ा 2% इंक्रीज, एंड डिटेल पाकर इसका शार्पनेस आपको इंक्रीज कर लेना है, ठीक है। शार्पनेस को इंक्रीज, एंड डिटेल को भी इंक्रीज। अब इतना सा हो जाने के बाद आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। जैसे मैंने कहा था उससे आपको आपको सेम यहाँ पर क्रिएटिव फोटो एडिटिंग करना मैंने सीखा दिया, वो भी काफ़ी सरल स्टेप्स में। तो आई होप कि आप सीख गए होंगे यार क्रिएटिव फोटो एडिटिंग करना, यार सीखें तो इस वीडियो को एक लाइक करें, उस चैनल पर नहीं होते हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे फोटो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो में पोस्ट करता रहता हूँ। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।